नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल को भारतीय टीम का भविष्य का कप्तान होना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2020 का छठा मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने महज 20 ओवर में 206 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत के लिए 207 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। दोस्तों केएल राहुल ने 69 गेंदों पर 132 रनों की धुआंधार और नाबाद शतकीय पारी खेली। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 128 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन अब केएल राहुल ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उन्होंने 132 रनों की धुआंधार पारी खेली है। किंग्स इलेवन पंजाब को कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बढ़िया शुरुआत दिलाई। दोनों ने 7 ओवर में 57 रन जोड़े। हालांकि 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने मयंक अग्रवाल को आउट करके आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। मयंक अग्रवाल ने 20 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल ने निकोलस पूरन के साथ मिलकर 12वें ओवर में टीम का आंकड़ा 100 के पार पहुंचाया और उसी ओवर में 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 14वें ओवर में 154 रन के स्कोर पर शिवम दुबे ने पूरन को आउट किया। निकोलस पूरन ने 18 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल कुछ खास नहीं कर पाए और वो सिर्फ 6 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। केएल राहुल ने 19वें ओवर में 62 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और 69 गेंदों पर 7 छक्के एवं 14 चौकों की मदद से 132 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके बाद 207 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत काफी खराब रही और सस्ते में 3 विकेट गिर गए। उसके बाद एवी डी विलियर्स और फिंच ने शानदार पारी खेली, लेकिन दोस्तों उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिलवा सकी और टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ किंग्स इलेवन पंजाब ने भी इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। दोस्तों आप केएल राहुल की इस तेज तर्रार पारी को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।